सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र ने की और इस दौरान बैठक में हरियाणा सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और प्रभारी अनिल जैन के साथ कई नेता शामिल हुए। तो बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनावों के लिए हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र ने पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर 3 क्लस्टर बैठकें की जाएंगी। हमने हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए हैं। 3 क्लस्टर की बैठक पहली 10 तारीख को, दूसरी 17 तारीख को, 16 तारीख को और तीसरी 25 तारीख को, ऐसे क्लस्टर की बैठकें होंगी। पहले क्लस्टर में गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद लोकसभा है। दूसरे क्लस्टर में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत लोकसभा है और तीसरे क्लस्टर में सिरसा, हिसार और रोहतक लोकसभा है। ऐसे 3 क्लस्टर्स में क्लस्टर के कार्यक्रम, इन क्लस्टर्स में सभी शक्ति केंद्र प्रमुख आएंगे और जिस लोकसभा क्षेत्र में ये क्लस्टर की बैठक होगी उस लोकसभा के बूथ के अध्यक्ष आएंगे। ऐसे एक बड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। जिन लोकसभा क्लस्टर में लोकसभा के क्लस्टर की बैठक होगी, 12 फरवरी से मेरा घर भाजपा घर कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद अपने घर से करेंगे, जिसके तहत हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने घर पर झंडा लगाएंगे और सेल्फी खींचेंगे। अनिल जैन ने बताया कि हरियाणा में कार्यक्रम 13 फरवरी से 20 फरवरी तक किए जाएंगे। 12 फरवरी से मेरा घर भाजपा घर ऐसा कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ हो रहा है। देश के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी अपने अहमदाबाद घर से इसको लॉन्च करेंगे। सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे और मेरा घर भाजपा घर फोटो के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर डालेंगे। ऐसा कार्यक्रम नीचे तक बूथ तक के सब कार्यकर्ता करेंगे। हम ये एक अभियान के रूप में हरियाणा में, वैसे ये पूरे देश में 12 फरवरी से 2 मार्च तक का है, लेकिन अभियान के रूप में हरियाणा में हम 13 फरवरी से 20 फरवरी तक इस सघन कार्यक्रम करेंगे। अनिल जैन ने बताया कि 26 फरवरी से देश भर में कमल ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत प्रदेश और केंद्र की सरकार से लाभान्वित लोगों के घरों में दीपक जलाया जाएगा। ऐसे कम से कम 100 कार्यक्रम किए जाएंगे और देश भर में ऐसे 2000 कार्यक्रम होंगे। 26 फरवरी को देश भर में कमल ज्योति भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारों से लाभान्वित, भारतीय जनता पार्टी से की सरकारों से लाभान्वित जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थी के घर पर कमल ज्योति एक दीपक जलाएं, कमल ज्योति के नाम से ये प्रतीक होगा कि वो इन लाभार्थी योजनाओं को लाभ भी ले रहे हैं और रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने योजनाएं दी हैं। ऐसे कार्यक्रम कम से कम 100 कार्यक्रम हरियाणा में मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी संख्या में इकट्ठे होकर एक साथ हों, इसकी हम व्यवस्था करने वाले हैं। देश भर में करीब करीब ऐसे 2000 कार्यक्रम होंगे। 28 फरवरी को पीएम देश भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और 2 मार्च को देश भर में विधानसभा स्तर पर मोटरसाइकिल रैली आयोजित की जाएगी। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री के मन की बात, प्रधानमंत्री जी 24 को तो मन की बात का कार्यक्रम होता है, वो हर बार की तरह होगा, लेकिन 28 तारीख को बूथ के देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और 2 मार्च को मोटरसाइकिल रैली, ऐसा देश भर में
सभी विधानसभाओं में विधानसभा स्तर पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन होगा। इस मौके पर अनिल जैन ने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने की संभावना को सिरे से नकारा। ये सिगूफे मत छोड़िए और अनधिकृत बातों को ऐसे मत कहिए। ये आप गंभीर प्रेस के लोग हैं, जब तक कोई बात आती नहीं है, इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है, जिसको आपने इतना बड़ा माहौल बना दिया जैसे कि कल ही भंग हो जाएगी और एक साथ चुनाव हो जाएंगे। ऐसा सब समय अलग अलग चुनाव होंगे। इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जनता के मन को टटोलकर उनके दिल में बीजेपी का अलग जगाने का प्रयास करेगी, ताकि लोकसभा चुनावों में प्रदेश में बढ़त बनाई जा सके। अब देखना ये है कि बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। दिल्ली से संवाददाता आलोक सांगवान की रिपोर्ट, MH1 न्यूज।